Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ओ जी, कौन से वाले खाने हैं? क्या लेने आए हो? मीठे पॉपकॉर्न लेने आई हो? बिल्ली आई हुई चूहा पकड़ने के लिए। मीठे पॉपकॉर्न जनाब तैयार कर रहे हैं। एक अशहदु अन्न मुहम्मद। ये क्या है? दस वाला सिक्का। ये तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदनी नूरुद्दीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं अजान पॉपकॉर्न व्लॉग। और इंशाल्लाह हम आज जो है जिसकी अजान पढ़ेंगे वो है मरवान बिन कसास। हम उनकी जो है लहजे को आज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उसका लहजा जो है मैं आपको अभी सुनाने लगा हूँ। इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट लहजा है उनका, तो उसमें जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ है उनकी, लेकिन मेरी तो नहीं है, लेकिन मैं उस तरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उनका जो है ये लफ्ज़ जो है आपने उनका नेट के ऊपर सुना होगा, जो बहुत ज्यादा वायरल है। उनकी इब्तिदा जो है पहले लफ्ज़ की इस तरह होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, ये इसके कितने हैं? इन पैसों के कितने हैं? कितने कितने ले इस पैसों के? दस के? उसके दस के आपके? मीठे ये आपके हैं, ये उसके हैं। लाफिस। ये जो है शादी के ऊपर ऐसे घुमाएंगे हम लोग। किसका है? एक मीरब का, एक मेरा। हाँ जी, मीरब का है। चलो जाओ। क्या लेने आए हो? ये आ गया जी, मेरा ये रोज का कस्टमर है, ये रोज मुझे तंग करता है, दस रुपए छुपा लेता है। दूसरे दस रुपए दो ना, दादू को नहीं लेने? ये जी दो महीने पहले इसकी दादू जिंदा हुआ करती थी, एक एक पैकेट खुद लेता था, एक दादू को देता था। अब इसकी दादू फौत हो गई है, अब ये एक पैकेट खुद खाता है और दूसरा पैकेट जो है अपनी दादू की तस्वीर के ऊपर लगा देता है कि दादू खा रही है, कितना मासूम है। चल आ जा, दे दे पैसे। तो वो दादू को नहीं देने? दादू है, दादू को नहीं खिलाने? दादो किधर है? कार बैठी है दादो। ओ चल, दादो को लेके नहीं जाएगा? दादो को नहीं खिलाएगा? आते पाया। अच्छा, हाँ खोल के दे, दो दोनों दे, दोनों ठीक है। ये तो तेरे हैं, तो दादो के? दादो के पैसे छुपा रहा है, अब दादो को नहीं खिलाना? नहीं। क्यों? दादो नहीं खाती? नहीं खाती दादो है? नहीं, ना खाती नहीं है। देखो जी, अब इसको पता चल गया है दादू। ओ जी, कौन से वाले खाने हैं? नमकीन। हाँ जी। अच्छा जी, दो जी, क्या लेने आई हो? मीठे पॉपकॉर्न लेने आई हो? अच्छा जी। ओए होए, ये भी आया एक, और दूसरे पैसे दो लेने? ये लो खाओ। ये देखो जी, ये वापस आ गया। इसको मैं पहले कह रहा था ना कि मीठे नहीं खाने, दोनों एक दूसरा ले ले जाओ। अब ये वापस करने आया, मुझे इसका पता चल गया था। ये लो, चलो जाओ। कौन से चाहिए? एक मिठाई की नमकीन। ये लो जी आपके। अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह,
اشهد ان لا اله الا الله. आ जाओ. ये जी मेरे कस्टमर, मैं उनको पीछे छोड़ के आया हूँ, अब ये भागे भागे आ रहे हैं मेरे भाई। हो देखो बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है अभी। यहाँ पे सामने जो है बहुत ही बुरी जगह है, अब इधर से गुजरना पड़ेगा। टायर ख़राब होंगे, फिर कपड़ों को लगते हैं, रोज़ी करना भाई बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। स्कूल में पहुँच गए, छुट्टी होने वाली है, चले वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। अल्लाह जनाब तैयार कर रहे हैं। एक चम्मच उसके अंदर जो है ना डालने मीठे के लिए, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और ये जो है इतनी मक्की डालनी है और चीनी भी उतनी डालनी है। ये क्या है? 10 वाला सिक्का। ये देखें जी, ये पंजाब में तो ये लेते नहीं है 10 वाला सिक्का, ये तो कराची वाले इधर बहुत सारे लेके आते हैं। अब मैं क्या करूँ इस बंदे का, ये 10 वाला सिक्का चलता नहीं, फकीर भी नहीं लेता इधर। फकीरों को दिए हैं, फकीर बोलते हैं ये नहीं लेना। मैंने फकीर को बोला ये आप जो है ना तोल के ना, ये सिक्का काशी का है, पता नहीं किस चीज का है, आप तोल के बेच दो, ये ले लो किरायत। लेकिन वो किरायत ही नहीं लेते फकीर। जी कौन से वाले? नमकीन या मिठे? ये जी नमकीन खाने का शिदाई है, ये मेरा बहुत पुराना कस्टमर है, अक्सर मुझे बच्चों के नाम भी याद हैं। 10 साल हो गए मुझे पॉपकॉर्न बेचते हुए, तो नाम भी याद है मुझे। और जो छोटे छोटे होते थे 4-5 साल के हुआ करते थे, अब वो 15-15, 16-16 साल के जवान है। चलो चूहा पकड़ने के लिए, ये इधर छुपी हुई है चूहा पकड़ने के लिए, यहाँ से ना चूहा निकलेगा, ये चूहे के लिए बैठी हुई। वो देखो इधर आओ दिखाओ इसको, ये चूहे के लिए बैठी हुई है। चूहा पकड़ने मैंने बड़ी बिल्ली पाली है भाई, ये बिल्ली जो है ना काली बिल्ली जो जा रही है। जाओ जाओ घर जाओ।
तो जी जनाब, आपको हमारी अजान कैसी लगी आज की? अगर हमारी अजान आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहम होता है घंटी का बटन, क्योंकि घंटी का बटन जब आप दबाएंगे तो मेरी जब वीडियो आएगी तो फौरन आपको जो है उसका पता चल जाएगा। और ज़रूर अपनी कीमती आवाज़ से हमें आगाह कीजिएगा, मैं हम लोग इंतज़ार में रहेंगे। हमें अपने मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे दीजिए, हमारी आवाज़ कैसे लगी है, हम इंतज़ार में रहेंगे।